चॉकलेट स्पॉन्ज केक हम सबको पसंद है। बेसिकली ये एक स्पॉन्ज है जो सबका फेवरेट होता है, एक्सेप्शनल्स हो सकते हैं। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, जिसमें मैं ले रही हूँ मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसे अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। डिटेल्ड क्वांटिटी जो मैंने रेसिपी में यूज़ की है वो आपको मेरे वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, purvanchaltadka.com, और आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हैं। इसे अच्छी तरह हम विस्क कर लेंगे। फिर हम लेंगे वेट और थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट। और अब एक हम दूसरा पतीला लेंगे, और दूसरे पतीले में हम ऐड करने वाले हैं, इसे मिक्स करके आप साइड कर लीजिए पहले। अब हम लेने वाले हैं मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर लिया मैंने, मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं कोको पाउडर। कोको पाउडर देखिए, आप एक अच्छे ब्रांड का ही कोको पाउडर यूज़ करिएगा, क्योंकि इससे टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक अच्छा टॉप ब्रांड आप ले लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा इसका। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ये हमने डाला है पीसी हुई शक्कर, थोड़ा सा दूध और बटर। इसे अच्छी तरह फेंट लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें हम धीरे धीरे करके जो हमारा जो मैदा का जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी किया है ना, वो धीरे धीरे इसमें डालेंगे। ये हमने धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और हम अच्छी तरह इसे मिक्स करके रखेंगे। देखिए, ज़्यादा इसे आपको फेंटना नहीं है, ज़ोर से मत फेंटिए, जेंटल हाथों से आप इसे मिक्स करिए। ये बैटर बनकर परफेक्टली रेडी है, ऐसा हमें चाहिए बैटर, एकदम गाढ़ा भी नहीं और एकदम पतला भी नहीं। अब इसमें हम ऐड करेंगे वैनिला एसेंस एक्सट्रैक्ट, जो भी आपके पास है वो आप ऐड करिए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, लेकिन लेमन जूस या विनेगर कुछ भी ऐड करने से पहले आप सबसे पहले अपने ओवन को गर्म करने पर रख दीजिए 10 मिनट के लिए। प्रीहीट करिए 160 डिग्री या 180 डिग्री 10 मिनट्स के लिए। जब आप प्रीहीट पे हो जाएगा, जब ख़त्म हो जाएगा, तब आप इसमें आप लेमन जूस डालना और सीधा इसे टिन में ट्रांसफ़र करके तुरंत ओवन के अंदर डाल दीजिए। लेमन जूस डालने के बाद इसे आपको बाहर बहुत देर तक नहीं रखना है, स्पॉन्ज नहीं बनेगा अच्छे से। तो यहाँ पर टिन को मैंने बटर से ग्रीस कर लिया है और अब इसमें लेमन जूस डाल दिया है और इसको सीधा केक के बैटर को मैं टिन में डाल रही हूँ। थोड़ा सा आप इसे पटकिए ताकि इसके जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। पटकने के बाद इसे आप सीधा ओवन में 40 मिनट्स के लिए बेक करिए। आपका केक परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा, बिना जले बिना फटे हुए। ये आप देख सकते हैं कि हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनकर परफेक्टली रेडी है, बिना जले बिना फटे हुए। तो चलिए अब हम इसकी आइसिंग भी करेंगे।
आइसिंग मैं आपको छटपट करके दिखा रही हूँ। बेसिकली ये वीडियो सिर्फ चॉकलेट स्पॉन्ज के ऊपर था। तो यहाँ पर मैंने दूध में थोड़ा सा डार्क चॉकलेट मेल्ट किया है, वैसे दूध में नहीं करना चाहिए, आप हैवी क्रीम लीजिए और उसमें करिएगा। ये मैं गनाश बना रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है दूध के कंपैरिजन में। ये चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो गया है, फिलहाल ये बहुत ही लिक्विडी लग रहा है, लेकिन एक बार हम इसे फ्रिज में रख देंगे ना तो ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। इस गनाश को हम केक के ऊपर स्पॉन्ज के ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहले जो केक के ऊपर का जो एक लेयर था थोड़ा हार्ड पार्ट, उसे हमने यहाँ पर काट कर निकाल दिया है। अब इसके ऊपर आप अपना मनचाहा आइसिंग या चॉकलेट का लेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आइसिंग किया है व्हिप क्रीम से, जिसका मैंने एक हाइपरलैप वीडियो बनाया है, तो उसे आप इंजॉय करिए। होप आपको मेरा स्पॉन्ज के चॉकलेट केक स्पॉन्ज का रेसिपी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताइए अगर आपने केक कभी ट्राई किया है मेरा देखने के बाद। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पूर्वांचल तड़का।